हेलो दोस्तों, आप सभी को परवीरा भगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज मैं यहाँ डिपाडी सामंत सरना के दर्शन के लिए आया हूँ। यहाँ प्राचीन काल के अत्यंत सारे अवशेष हैं, प्राचीन मूर्तियाँ हैं, प्राचीन मंदिरों के अवशेष हैं जो लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अंदर और क्या क्या है। यह स्थान अंबिकापुर मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पूर्व में स्थित डिपाडी के पास स्थित है। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं और क्या क्या है अंदर में। ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। देख सकते हैं सामंत सरना के अंदर का नज़ारा। ये है सामंत सरना के अंदर का मंदिर, जो मुख्य मंदिर है यहाँ शिव मंदिर। यह मंदिर लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। यहाँ देख सकते हैं पत्थरों पर किस तरह से कलाकारी की गई है। पत्थरों पर अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो 8वीं से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय की है। यह खुदाई के दौरान ये सब मूर्तियाँ निकली हैं और मंदिर के अवशेष निकले हैं। यह खुदाई सन 1988 में आसपास के क्षेत्रों में की गई, तो उस समय यहाँ पर मंदिरों के अवशेष मिले हैं। देख सकते हैं बहुत सारे अवशेष तो खंडित हो चुके हैं, मूर्तियाँ भी खंडित हो चुकी हैं और मंदिर के भी अवशेष खंडित हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ तो संग्रहालय में रखी गई हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर का छोटा रूप है। यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग भी स्थापित हैं। देख सकते हैं ये सामंत सरना का यह 8वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय की है। वहाँ के राजा यहाँ शासन करते थे, उस समय की ये कलाकृतियाँ हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बनाया गया है और उसे अलग अलग जगहों पर किस तरह से यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये मूर्तियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं और भव्य हैं। यहाँ लोग दूर दूर से इसका दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर शिवरात्रि में पूजा भी किया जाता है और यहाँ पर श्रावण मास के सोमवार के दिन भी लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर पूजा स्थानीय बैगा के द्वारा यहाँ पर किया जाता है और यहाँ पर कुछ कथा कहानी प्रसिद्ध है। वो कुछ इस तरह से है कि टांगीनाथ धाम में जो टांगी या फरसा, वहाँ भगवान परशुराम जी का गड़ा हुआ है, उसे असुर, जब एक असुर था जो चुरा कर लाया और यहाँ सामंत राजा ने उसे शरण दिया, उसे छुपा कर रखा था, तो वहाँ के राजा यहाँ आक्रमण कर दिए और सामंत राजा को हरा कर उसे मृत्यु के घाट उतार दिए। तो सामंत राजा की जितनी पत्नियाँ थीं सभी पास के बावड़ी में, जो अभी तालाब बन चुका है, उसमें कूद कर अपना जान दे दी थी, ऐसा यहाँ कहानी है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से शिवलिंग हैं। यहाँ पर 2 से 3 शिवलिंग मुख्य रूप से हैं जो विशाल आकार में हैं। लोग यहाँ पर नित्य पूजा करते हैं। यहाँ पर सावन सोमवार के दिन मैं गया था तो यहाँ पूजा किए हुए थे लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सामंत राजा की मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है, यह देख सकते हैं, और अन्य मूर्तियाँ भी हैं।
यह सामने में दिखाई दे रही है। कहा जाता है ये सामंत राजा की मूर्ति है, जिसका यहाँ एक पैर कटा हुआ है। तो युद्ध के दौरान इनका एक पैर को काट दिया गया था, ऐसा लोग बताते हैं। और इस तरह से यहाँ पर मूर्ति बनाया गया है। देख सकते हैं कितनी सारी मूर्तियाँ यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जिसे मैं आप लोगों को अभी पूरी तरह नहीं दिखा पा रहा हूँ। फिर कभी और जब वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों को यहाँ पूरा विस्तार से दिखाऊँगा। देख सकते हैं किस तरह से मूर्तियाँ बहुत सारी अंदर में रखी हुई हैं, खंडित हैं, टूटी फूटी हुई हैं। और यहाँ के संग्रहालय में भी बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और बाहर में भी बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को सांत सरना या सामंत सरना दीपावली का दर्शन करा दिया है। यहाँ पुरातत्व के प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिसका अच्छी तरह से आप लोगों को दर्शन करा दिया है। अब मैं अपने घर प्रस्थान करने की तैयारी में हूँ। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे आने वाले दिनों में इस तरह से अन्य वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।